सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डे टू डे अपडेट को और घंटे के निशान को दबाएं लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिमी रेलवे यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे ने स्टेनोग्राफर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या एज क्राइटेरिया है और क्या मोड ऑफ एप्लीकेशन है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, इन सारी बातें को जानने के लिए हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। लेकिन उससे पहले एक मिनट फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे, ऊपर में इसका हेडिंग लिखा हुआ है, उसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रधान कार्यालय हेडक्वार्टर्स ऑफिस क्रमिक विभाग हुबली, दिनांक यहाँ पर दिया हुआ है 20 दिसंबर 2018। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जो है वैकेंसी का टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे डिटेल, जो है कि जनरल के लिए 15 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 8 है और एससी के लिए 5 वैकेंसी है और एसटी के लिए 2 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 30 है। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 12th पास विद द लेस देन 50% मार्क्स। ठीक है, तो पहले ही मैंने हाईलाइट कर दिया है आपको और मेरे को क्लियर समझ में आने के लिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट 12th पास है मिनिमम 50% मार्क्स से और कंप्यूटर का नॉलेज हो और एमएस वर्ड एमएस एक्सेल में भी उनको नॉलेज हो और सर्टिफिकेट हो, ठीक है, तो वो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। आपका एज जो है 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। आप काउंट कर लीजिएगा 1/1/2019 को काउंट होगा। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल चीफ्स पर्सनल ऑफिसर, ठीक है, साउथ वेस्टर्न रेलवे गदग रोड हुबली, यानी इतना लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो है ये एप्लीकेशन होगा ऑफलाइन जमा होगा। ठीक है, तो हार्ड कॉपी आपको भेजना है यहाँ पे, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल चीफ, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको भेजना है, ये एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट डेट है आपको 18 जनवरी है। ठीक है, 18 जनवरी तक आप भेज सकते हैं वहाँ पे स्पीड पोस्ट या किसी और माध्यम से। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखा हुआ है, द एलिजिबल एप्लीकेंट विल बी सिलेक्टेड बाई सब्जेक्टिंग देम टू अ स्किल टेस्ट ऑन द स्टेनोग्राफी कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट ऑन एमएस ऑफिस दैट इज एमएस वर्ड एमएस एक्सेल एमएस पावर पॉइंट एटसेट्रा बाई कमिटी ऑफ जेए ग्रेड ऑफिसर। ठीक है, तो जो जेए ग्रेड ऑफिसर के लोग हैं वो लोग आपका जांच करेंगे पूरा, क्या आपका योग्यता है, क्या आपका टाइपिंग स्किल है और क्या आपका नॉलेज है और क्या सर्टिफिकेट है। ठीक है, और नीचे देख लेते हैं द कैंडिडेट रिक्वायर्ड ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस। ठीक है, तो ये मेन है कि आपको जो है रखा जाएगा वहाँ पे कॉन्टैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, अगर आप बढ़िया वहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको और आगे बहुत दिन तक रखा जा सकता है। ठीक है, बस यही आपको अपडेट देना था। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपको ये देख सकते हैं इसका नीचे लिखा हुआ है पूरा, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है उसका फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं फोटो आपको चिपकाना है, यहाँ नीचे सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे नाम पता डिटेल डेट ऑफ बर्थ जितना भी है पिन कोड सारा आपको फिल करके और आपके डॉक्यूमेंट्स जो है साथ में इन्वॉल्व करके, और ये जो एड्रेस दिया हुआ है एक मिनट, जो ऊपर में एड्रेस दिखाए हैं आपको यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे गदग रोड हुबली यहाँ पे दिया हुआ है 580020 पिन कोड, इस एड्रेस पे भेज देना है और आप बढ़िया से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी कोई ख़राब नहीं है काम, आप अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा तो आपको बढ़ाया जा सकता है और बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही आपको अपडेट देना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।